सुनो स्टूडेंट, क्लास 12 हिस्ट्री पाँच चौथा चल रहा है, पेज नंबर हमारा 177 है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। नया हमारा टॉपिक है वीर दुर्गादास राठौर। 1738 में इनका जन्म हुआ और 1718 में इनकी मृत्यु हुई। मैं लिख देता हूँ, 1638 से 1718 ईस्वी तक। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौर का नाम भी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। वो स्वर्णिम अक्षर से इनके नाम लिखे हुए हैं और स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। जिस प्रकार पन्ना राय ने माँ उदय सिंह की जान बचाई थी और आज भी उसका नाम लिया जाता है, उसी प्रकार वीर दुर्गादास राठौर भी स्वामी भक्त है, जिसने अजीत सिंह की रक्षा की। जोधपुर स्टेट के महाराणा जसवंत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, उनकी रक्षा की और उसको औरंगजेब के चंगुल से बचाकर वापस जोधपुर ला लाया उनको, और जोधपुर में उसको जोधपुर का वापस शासन इन्होंने संभाला। तो कहने का तात्पर्य ये था कि वीर योद्धा थे और कुशल सेनापति थी, और वीरता का या ताकत का अंदाजा हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि कहते हैं कि जब ये चलते थे तो उनके पास खाने के लिए भी टाइम नहीं होता था, इतना वो युद्धों में मशगूल रहते थे, युद्धों में भागते होते रहते थे। जहाँ कहीं भी इनके पहले बाटियाँ सेक जाती थी, वो बाले से वो बाटी उठाते और फिर उस बाटियों को उठाते और चलते रहते थे। तात्पर्य कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं था। इनका जन्म हुआ 1638 ईस्वी सालवा में हुआ। इनके पिता का नाम आस्करण जी था, पिता का नाम जो जोधपुर दरबार की सेवा में थे। दुर्गादास जी अपनी माता के साथ गांव में रहते थे, यानी उनकी माता को, दुर्गादास जी की माता को जो है आस्करण जी ने छोड़ दिया था। तीसरी संतान थे ये, तीसरी जो तीसरी पत्नी की संतान थी इनकी, जो माता है तीसरी थी इनकी संतान थे, थोड़े गांव में रहते थे। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा दुर्गादास राठौर। इनका जन्म 1638 लिखा हुआ है, सालवा गांव में हुआ। वे जोधपुर की महाराजा दशरथ सिंह की सेवा में रहने वाले आश्रम की तीसरी पत्नी की संतान थे। आश्रम जी थे जोधपुर दरबार में रहते थे। आश्रम को मारवाड़ में सालवा की चाली मिली थी और कालांतर में मोनो प्रेगनेंसी के बाद उसे मारवाड़ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे आश्रम जी। ठीक है, अपनी पत्नी से प्रेम न रहने के कारण उसने पति पत्नी और पुत्र दोनों को अलग कर दिया। भारत दुर्गादास अपनी माँ के साथ लोनावे गांव में रहकर खेती बाड़ी गुजारा करने लग गया। हाँ, ये थे लोनावा, गाँव का नाम था लोनावा, लोनावे लोनावे गांव में दुर्गादास ने अपना बचपन बिताया। अपना बचपन बिताया। ठीक है, क्या खेती बाड़ी करते थे? 1655 की बात है, घटना अच्छी सी सुनना तरीके से। 1655 में आपसी काश्तकनी होने के बाद उसने अपने खेत में से होकर सांडनिया ले जाने पर राज के चरवाहे को मार डाला था। 1655 की बात थी, इनका खेत था, खेत में से वो ऊँटों का ऊँटनियों का डेरा साथ चलता, बहुत सारी हजारों तादाद में ऊँट होते हैं। तो एक कोई ऊँटनी, एक कोई जो मादा सांड, मादा ऊँट बोलते हैं जिसको, एक तो नर होता है, एक मादा सांडनी बोलते हैं जिसको, सांड और जो ऊँट और ऊँटनी बोलते हैं, ऊँटनी बोलते हैं। उस ऊँटनी को क्या कर दिया उन्होंने, ऊँटनी का साथ चराने वाला था उसको मार डाला। खबर मिलने पर महाराजा ने आश्रम से सफाई मांगी। आश्रम ने कहा कि उसके सब बेटे राज्य की सेवा में हैं और गांव में उसका कोई बेटा ही नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। देखिए आप यहाँ पे बात, आश्रम ने कहा मेरे और कोई संतान नहीं है, मेरी जितनी भी संतान है आपके दरबार में, मेरे और कोई औलाद नहीं है। तब दुर्गादास ने, महाराजा ने दुर्गादास को बुलाकर सारी बात पूछी। दुर्गादास ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उक्त चरवाहे की लापरवाही के कारण न केवल किसानों की फसल नष्ट हो रही थी, अपितु उसने आपके दुर्ग को भी अब शब्दों के साथ बिना छज्जे का दौड़ा दूंगा। उसने कहा था चरवाहे ने जो चरा रहा था उनको, उसने कहा कि आपको ये दुर्ग है ना, ये सफेद जो दुर्ग है ये बिना छज्जे का दौड़ा ढूंढा है, केवल बिना छत का सफेद खंडर है, इस कारण मैंने उसकी हत्या कर दी। पूरी जानकारी प्राप्त कर महाराजा ने आश्रम से जब ये पूछा कि तुम तो कहते थे कि गांव में मेरा कोई बेटा नहीं है, तो आश्रम ने कहा कि कपूत को बेटों में नहीं गिनते।
कितनी बड़ी बात कही, सपूत को बेटों में नहीं गिना जाता। बेटे वो होते हैं जो माता पिता की बात मानते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए हमें भी सपूत बनना है, सपूत नहीं। ठीक है, तो आजकल ने कहा कि कपूतों को बेटों में नहीं गिनते। महाराज दशम सिंह बोले ये आपका भ्रम है, कभी ये डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। उसके बाद दुर्गादास को उन्होंने अपनी सेवा में रख लिया। 1667 में दुर्गादास को 12,000 रुपये की वार्षिक आय वाले 5 गांव मिले, जावर, समदड़ी, जगीसा, कोटड़ी, अंबारोवाड़ो और अमरसर प्रदान किए गए। कालांतर में जसवंत सिंह द्वारा मारवाड़ के रायमल बालू जवन देसर और बानसेन गांव सा रोहतक प्रगति का दोनों गांव भी दुर्गादास को जागीर के रूप में प्रदान कर दिया गया। उसमें सिस्टम होता था कि राजा का कोई भी अच्छा सब मिलने वाला होता था या कुछ सरदार होता था, वीर होता था, उसको जागीर गाँवों की जागीर दे दी जाती थी। ये 5 गाँव तेरे, यानी उस 5 गाँव का जितना भी राजस्व वसूल होगा वो राजस्व सीधा उस सामंत के पास में आएगा। मान लो कि किसी गांव में 10 बोरी, ये गांव में 20 बोरी, टोटल 5 गांव में 100 बोरी होगी, तो एक बोटा 3 लिया जाता था, तो 100 बोरी का 30 बोरी जो थी वो दुर्गादास के पास आती, 70 बोरी किसानों के पास जाती। ये सिस्टम था उसमें। अब जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित हुआ। अब ये यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में, जोधपुर पर जो है शाही सेना का नियंत्रण कैसे हुआ। ठीक है, तो बता दूँ, मैं लिख लिया होगा आपने, इनका जन्म 1638 साल हुआ गाँव। पिता का नाम आसकरण जी जो कि जोधपुर दरबार की सेवा में कार्यरत थे, और दुर्गादास जी अपनी माता के साथ रहते थे, और ये आसकरण जी की तीसरी संतान, आसकरण जी की तीसरी पत्नी की संतान थे। दूनावे गांव में दुर्गादास ने अपना बचपन बिताया था। क्लियर, अब आगे देखिए, जोधपुर पर नियंत्रण, शाही सेना का जोधपुर पर नियंत्रण। सबसे पहले बात करें जोधपुर पर शाही सेना का नियंत्रण कैसे हुआ, इसके बारे में देखिए। महाराजा जसवंत सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच प्राय विरोध की स्थिति बनी रही। इस कारण औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मारवाड़ से बहुत दूर जमरूद अफगानिस्तान के थाने में नियुक्त कर दिया। 1638 में जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु की खबर सुनते ही औरंगजेब के मुंह से निकल पड़ा दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त, आज मजहब विरोध का दरवाजा टूट गया। पर जब महल में बेगम ने आज सुना तो कहा आज शोक का दिन है कि बादशाह का ऐसा स्तंभ टूट गया। लेकिन बेगम ने जो है वो कहा था कि आज शोक की बात है कि ऐसा स्तंभ टूट गया बादशाह का। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को कालसा घोषित कर ताहिर खां को फौजदार, खिदमत गुजार खां को किलेदार, शेर अनवर को अमीन और अब्दुल रहीम को कोतवाल बनाकर प्रबंध के लिए नियुक्त किया। मारवाड़ पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद खान जहां बहादुर मंदिरों के तोड़ने से एकत्रित हुई मूर्तियों को गाड़ियों में भरवा कर अप्रैल 1679 ईस्वी में दिल्ली पहुंच गया। बादशाह ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और मूर्तियां दरबार के जल्लू खाने यानी आंगन में तथा जुम्मा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे डाली जाने की आज्ञा दी, ताकि ये लोगों के पैरों के नीचे कुचली जा सके। इतनी धार्मिक अंधता थी कि मंदिरों को तोड़वा के, मंदिर में विराजमान भगवान है उनको तोड़ा के, और मस्जिद की जो बनाई जाती है वो सीढ़ियाँ, इसके अलावा आंगन, उसमें वहाँ पे उनको जमा दिया गया ताकि उस पर पैर पड़ते रहे। 26 मई 1779 को औरंगजेब ने इंदर सिंह जो जसवंत सिंह के बड़े भाई तथा अमर सिंह का पुत्र को जोधपुर का राज्य राजा का हिताब उन पर जरावसाज की तलवार सोने के साथ सहित घोड़ा हाथी झंडा और नकारा दिया। उसने बादशाह को 36,000 रुपये की पेशकश देना स्वीकार कर लिया। इंद्र सिंह ने तो जोधपुर का प्रबंध कर पाया और नए माह होने वाले उद्धव को शांत कर पाया, जिसके कारण बादशाह ने लगभग 2 माह बाद ही उसे वापस बुला लिया। ठीक है, अब मेन जो टॉपिक दुर्गादास को क्यों याद किया जाता है, अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए।
अजीत सिंह, जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह, इसकी सुरक्षा के लिए। देखिए आगे, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौर सरदार उनकी दोनों गर्भवती रानियों को लेकर जमरूद से रवाना हुए, किंतु सहायक परवाना न होने के कारण अटक नदी पर अफसरों ने उन्हें रोक लिया। इन सब अफसरों से लड़ाई कर राठौर दल ने अटक नदी को पार किया। वहीं दोनों रानियों ने 19 फरवरी 1679 ईस्वी को आधे घंटे के अंतराल पर क्रमशः अजीत सिंह और दल थम्बा नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। जोधपुर की ख्यात के अनुसार इन पुत्रों के जन्म का समाचार मिलने पर बादशाह ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा कि बंदा कुछ सोचता है और खुदा उससे ठीक उल्टा करता है। भाई आज्ञा से बालकों को वहां से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में दोनों कुंवरों पर रानियों को किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहराया गया। बादशाह की नीयत साफ नहीं थी। राठौड़ रणछोड़दास, भाटी रघुनाथ, राठौड़ रूप सिंह, राठौड़ दुर्गादास आदि सरदारों ने फैसला किया कि यहाँ रहकर मरने में कोई लाभ नहीं है, यदि जिंदा रहकर संघर्ष कर जोधपुर पर अधिकार कर लेंगे। इसलिए प्रमुख प्रमुख राठौर सरदारों को दिल्ली से जोधपुर भेजने का फैसला किया गया। इस योजना का एक लाभ तो यह था कि जोधपुर पहुंचने वाले सरदार वहां अपनी शक्ति को संगठित करेंगे, क्योंकि दो पुत्र हुए थे जसवंत सिंह के, बड़े का नाम था अजीत सिंह और छोटे का नाम था दल थम्बन सिंह, ठीक है। और औरंगजेब को यह अंदेशा था कि वहाँ जाके राठौर सरदार वापस उत्तर उतरेंगे, इसलिए रानियों से इन दोनों राजकुमारों को भी वहाँ बुला लिया गया। लेकिन वहाँ बुलाने के बाद में राजपूत सरदारों को शक हो गया था कि ये जो औरंगजेब है ये हमारे साथ गलत करेगा, तो धीरे 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 रणनीति बनाकर एक एक राठौर सरदार वहाँ से रवाना होता हुआ वापस जोधपुर की ओर पहुँचने लगा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस संपूर्ण योजना के पीछे दुर्गादास का मस्तिष्क था, और पूरी जो योजना चल रही थी इसकी प्लानिंग कौन कर रहा था, ये हमारे बीच दुर्गादास राठौर कर रहे थे। एक एक सरदारों को वहां से निकालने का तात्पर्य है, औरंगजेब को पता भी नहीं चलेगा, एक एक करके यहाँ से प्लान करो, जोधपुर पहुंचो और हमें जोधपुर जाके वापस जोधपुर की स्थिति को मजबूत करना है और उसके बाद हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है। जब राठौर सरदार एक एक कर दिल्ली से विदाई देने लगे तो औरंगजेब ने इनकी शक्ति कम होती देख राज परिवार के प्रति अधिक कठोर नीति अपनानी शुरू कर दी। उसने कोतवाल कोलाद खां को आदेश दिया कि राठौड़ रानियों और राजकुमारों को रूप सिंह की हवेली से हटाकर मूरगढ़ पहुंचा दिया जाए, और अगर राठौड़ इससे आनाकानी करे तो उन्हें दंड दिया जाए। सौभाग्य से इसके एक दिन पहले दुर्गादास और चापावत सोनी अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ से निकल गए। बादशाह को जब राजकुमारों के भागने की खबर लगी तो उसने पीछा करने का आदेश दिया था कि उनका पीछा करो, क्योंकि वो घोड़ी पे लेके दोनों को गए थे। दुर्गादास ने बाद में सहायक सेना को रोक दिया, जिसके कारण अजीत सिंह सुरक्षित जोधपुर पहुंचने में सफल रहा। यानी दुर्गादास ने मार्च में सहायक सेना को वही रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, अपने वीरता के बल पर उनका वीरता मुकाबला किया, तो जैसे तैसे जो है अजीत सिंह को जोधपुर पहुंचा दिया गया। इधर बादशाह ने जाली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी राज रखकर अपनी पुत्री जेबुनिसा को परवरिश के लिए सौंप दिया। तो बादशाह ने एक जाली नाम रख दिया, जाली एक बच्चा का उसका नाम रख दिया अजीत सिंह यही है उसका नाम रख दिया मोहम्मद सिराज, और अपनी पुत्री जेबुनिसा को परवरिश के लिए सौंप दिया, भाई मेरी पुत्री जेबुनिसा है जो इसका संरक्षक करेगी। जबकि रियलिटी में ये था कि वो वहाँ से निकल चुके थे। अजीत सिंह की बाद में जोधपुर में फिर ओपन हुई ये बात कि महाराजा अजीत सिंह तो जिंदा है, लेकिन औरंगजेब ने पहले ही वहाँ पे दिल्ली के अंदर जाकर कोई सरदार या कोई भी क्रांति ना करे तो ऐसी क्रांतियाँ फैला दी कि जोधपुर का जो राजकुमार है अजीत सिंह वो यही है, वो एक छोटे से बालक को जोधपुर का अजीत सिंह बना दिया गया। यही कुछ एक घटना इतिहास में जो भ्रामक होती है, जिसके बारे में कहा जाता है अधिक्रम सुनते हैं, जोधपुर की जोधा अकबर की घटना सुनते हैं, उसमें भी यही पता चलता है। वहाँ का इतिहास अगर हम देखते हैं उठा के वहाँ के संग्रहालय से तो यही पता चलता है कि वहाँ पे भी जो शादी की हुई थी वो जो महारानी जोधा के साथ नहीं की गई थी, हो सकता है उसके साथ अब उनकी जो प्लानिंग हुई होगी, क्योंकि उस समय इतिहासकार जो थे विदेशी इतिहासकार ज़्यादा थे, बाहर के इतिहासकार ज़्यादा थे, और घर के जो थे वो कभी इस बात को ओपन नहीं करना चाहते थे कि वास्तविकता हुई क्या थी। लेकिन ये इतिहास है तो इतिहास में अभी सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा अध्ययन जारी करना होता है, क्योंकि इतिहास में कुछ बातें सत्य भी है कुछ असत्य भी है। इतिहासकार उसका तर्क विश्लेषण करता है और एक सैद्धांतिक परिपाटी के अनुसार कर्मानुसार उनको जमाने की कोशिश करता है। अब है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, राठौड़ों का और सिसोदियों का गठबंधन कैसे हुआ।
राठौर सरकार जोधपुर के सिसोदिया है मेवाड़ के, ये याद रखना। राठौर सरकार जो थे वो जोधपुर से रिलेटेड थे। राठौर और ये थे मेवाड़, माने तो चित्तौड़ कुंभलगढ़ उदयपुर ये सब मेवाड़ का अच्छा था। और ये राठौर सरकार ये थे यहाँ के जोधपुर से उतरे हुए और सिसोदिया थे मेवाड़ के। अब उन दोनों के बीच में कैसे गठबंधन हुआ, अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ के सरदार जोधपुर पहुंचे, किंतु जोधपुर को सही अधिकार हो जाने के कारण अजीत सिंह की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। अजीत सिंह की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित थे। एक मिनट इस कारण भारत अजीत सिंह को उनकी विमाता देवराज जी की सलाह पर कालिंदी यानी सिरोही भेज दिया गया। यहाँ उसे पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के संरक्षक में रखा गया। उस सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से मुकुंददास कुची को नियुक्त किया गया। महाराणा जसवंत सिंह की सबसे बड़ी रानी जसवंत देव बूंदी के राव 70 साल की पुत्री थी। बूंदी का राव था 70 साल। सबसे बड़ी जो रानी थी जसवंत देव, बूंदी का राजा था राव 70 साल। ये भी हमें नोट करनी है, बूंदी बूंदी का उस समय कौन था 70 साल, तो 70 साल की बेटी थी, इसकी पुत्री थी जसवंत देव। उसकी सौतेली बहन कानन कुमारी का विवाह महाराणा राज सिंह के मध्य हुआ था। इस कारण दुर्गादास ने कानन कुमारी के माध्यम से उनके बहनों महाराणा राज सिंह के साथ अजीत सिंह को सुरक्षा देने की प्रार्थना भिजवाई। पूरे मामले में मेवाड़ की सुरक्षा जरूरी थी। इस कारण राज सिंह ने प्रार्थना स्वीकार कर अजीत सिंह को 12 गांव से केलवे का पट्टा दे दिया। औरंगजेब को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने महाराणा के पास फरमान भेजकर अजीत सिंह की मांग की, किंतु महाराणा ने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये पहला रिकॉर्ड था, पहला इतिहास था जहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़ दोनों, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के बीच में गठबंधन हुआ। क्योंकि तो भाई बच्चे शादी की वजह से जिसकी जसवंत देव जो थी बूंदी की थी, ठीक है, जसवंत सिंह की सबसे बड़ी रानी थी बूंदी की थी, जिसका नाम था जसवंत देव, ठीक है, जो कि राव बूंदी के राव 70 साल की पुत्री थी, ठीक है। उधर कालन कुमारी जो थी, इस कारण कानन कुमारी जी उसकी सौतेली बहन कानन कुमारी और इसकी सौतेली बहन थी कानन कुमारी देता हूँ उसे जसवंत देव की छोटी सौतेली बहन कानन कुमारी। और कानन कुमारी का विवाह हुआ था मेवाड़ के राजा राज सिंह के साथ। देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हम पढ़ रहे हैं अभी वीर दुर्गादास राठौर जो किसके यहाँ काम करता था, दरबार में था जसवंत सिंह जी के, जसवंत सिंह जी की बेटी थी ये, 70 साल की बेटी ये इसकी पत्नी थी, ठीक है, जसवंत देव। और ये इसकी जसवंत देव की चचेरी की बहन थी कानन कुमारी, तो ये इसका पति था राज सिंह। तात्पर्य के बीच में संबंध हो गए, जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत देव, ठीक है, और जसवंत देव की बहन कानन कुमारी, कानन कुमारी का विवाह मेवाड़ से और इसका जसवंत देव का विवाह मारवाड़ से। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से बहनों ही हुए, ठीक है, तो उनके बीच में समझौता हुआ। उसके बाद में औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो उसने महाराणा के पास फरमान भेजकर अजीत सिंह से मांग की, किंतु महाराणा ने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। थोड़ा सा और है अभी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तक ही हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। इसे अभी हम यही पढ़ेंगे, इसके बाद में शाहजादा अकबर का विद्रोह है, दुर्गादास को मारने का प्रयास है, अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच में कैसे अनबन हुई, ये पॉइंट अगले वाले वीडियो में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, पढ़ते रहना, ये नोट इसी से उठा रहना, पूरा सही कंफ्यूज होने जो तुम्हें ये तुम्हें ज़्यादा याद किसी ने रखते तुम याद करो निकलने। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक, पत्नी का नाम जसवंत देव, जसवंत देव कौन थी, बूंदी के राजा की पुत्री थी। इधर जसवंत देव की बहन का नाम था कानन कुमारी और
कानन कुमारी का विवाह हुआ मेवाड़ का राजा राज सिंह से। यानी ये दोनों बहने हो गई, ये दोनों साधु हो गए, साधु भाई हो गए, इस प्रकार इनका रिश्ता हुआ। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, इसे मुस्कुराते रहिए और वीडियो जरूर देखिए। ओके।